हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें जो व्यूज आते हैं उनसे जो वॉच टाइम आता है वो क्या हमारा जो वीडियो है उसमें काउंट होगा। तो अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो अपने चैनल पर तो क्या वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। और अगर आपकी वीडियो जो मोनेटाइज नहीं होती और अगर आप अपने जो वीडियो होते हैं शॉर्ट वीडियो उसको मोनेटाइज करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैंने आपको बताया एक ट्रिक के बारे में जिसको फॉलो करके आप अपने जो वीडियो होते हैं शॉर्ट वीडियो उसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि अगर आपका जो शॉर्ट वीडियो है और उसका अगर वॉच टाइम आता है तो वो क्या काउंट होगा या फिर नहीं। तो इसमें कुछ कंडीशन होती है जिससे आपका जो वॉच टाइम है वो काउंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं चैनल पर जाता हूँ अपने और यहाँ पर मैं चैनल को ओपन करता हूँ यूट्यूब YT स्टूडियो में, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो जो है मेरा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है क्या कंडीशन होती है जिससे कि हमारा जो वॉच टाइम होता है शॉर्ट वीडियो का वो काउंट हो सकता है और हमारा जो वीडियो है वो मोनेटाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एनालिटिक्स में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैफिक सोर्स का एक ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैफिक सोर्स में मेरा जो ट्रैफिक सोर्स है वो शॉर्ट फीड जो ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर इससे सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो जो शॉर्ट फीड से जो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होता है वो काउंट नहीं किया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। अदरवाइज जिससे भी आपका जो जैसे शॉर्ट को छोड़ के आपका जिससे भी वॉच टाइम या फिर आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो काउंट होंगे। जैसे यहाँ पर ब्राउज फीचर से आ रहा है और सजेस्ट वीडियो से आ रहा है और चैनल पेजेस से आ रहा है और डायरेक्ट टू अननोन से आ रहा है, और अगर यूट्यूब सर्च से भी आए तो भी आपका जो वॉच टाइम है अपने वीडियो का जो भी शॉर्ट वीडियो है उसका वो काउंट होगा। सिर्फ जो यूट्यूब का शॉर्ट का जो एक बॉक्स आता है अलग से, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ओपन होने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो शॉर्ट का एक यहाँ पर अलग ही सेक्शन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट का अलग ही सेक्शन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है हमारे सामने सभी जो शॉर्ट वीडियो होते हैं वही यहाँ पर प्ले होते हैं। अगर कोई शॉर्ट वीडियो में जाकर इस सेक्शन में जाकर आपकी वीडियो देख रहा है तो उसका जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होगा आपके चैनल पर। अदरवाइज अगर आपको जो शॉर्ट वीडियो है वो अगर ब्राउज फीचर में आता है, ब्राउज फीचर क्या होता है वो आप समझ लीजिएगा। तो ब्राउज फीचर ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पर यूट्यूब को ओपन किया, जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करता हूँ और ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉल करने पर जो भी वीडियो हमारे सामने आती है वो ब्राउज फीचर होता है। अगर ब्राउज फीचर में आपकी वीडियो आ रही है तो उसका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट यहाँ पर आपके जो चैनल है उसमें काउंट होगा। और जो सर्च होगा, जैसे कोई भी बंदा सर्च कर रहा है और आपका वीडियो आ रहा है तो उससे भी आपका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट यहाँ पर काउंट होगा आपके चैनल पर। तो ये तो होगी वॉच टाइम की बात, कहाँ से आपको वॉच टाइम मिलता है तो काउंट होता है, मतलब आपके जो व्यूज़ हैं वो कहाँ से आते हैं तो आपको वॉच टाइम आप अपने चैनल में ऐड होता है। तो आपको ये बात तो क्लियर होगी। अब बात करते हैं आपके चैनल आपकी जो वीडियो है शॉर्ट वो मोनेटाइज होगी या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट से बनाते हो तो आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया अपलोड पर और यहाँ पर क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक करता हूँ मैं, और अगर इससे ही कोई म्यूज़िक लेता हूँ और इसी पर डायरेक्टली वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ तो हमारी जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होती, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक यूज़ किया होता है यूट्यूब का, इसलिए जो हमारी वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं हो सकती। तो इसमें आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे आपकी जो वीडियो है उसको मोनेटाइज भी आप कर सकते हो। वो कैसे? तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप कोई सी भी वीडियो बना रहे हो तो उस वीडियो को पहले से आप किसी भी एप्लीकेशन से एडिट करके रख लो और बाद में उसको अपलोड कर दो। अगर आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ नहीं करते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप कोई भी म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो जो यूट्यूब की लाइब्रेरी में जो म्यूज़िक होते हैं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, उनको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से पता कर सकते हो तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आप अपने जो वीडियो होता है यूट्यूब का उसके लिए कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से पता कर सकते हो। तो वो जो म्यूज़िक होता है वो कॉपीराइट फ्री होता है, आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक नहीं आएगा और आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइज हो जाएगी। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको दी यूट्यूब शॉर्ट के बारे में, कि आपका जो शॉर्ट से जो वॉच टाइम कंप्लीट होता है वो आपके चैनल में काउंट होता है या फिर नहीं, और आपकी जो वीडियो होती है वो मोनेटाइज होती है या फिर नहीं। तो दोनों ही केस में मैंने आपको बता दिया आपको क्या ट्रिक लगानी है और क्या पॉइंट फॉलो करने हैं जिससे आपकी जो है शॉर्ट वीडियो उससे आपका वॉच टाइम जो भी आएगा वो आपके चैनल में काउंट होगा और आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइज भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जो YouTube का शॉर्ट अपलोड करते हो तो इसी तरीके का यूज़ करके आप कर सकते हो शॉर्ट को अपलोड, ताकि आपकी वीडियो जो है मोनेटाइज भी हो जाए और उसका जो वॉच टाइम है वो भी यहाँ पर जुड़ जाए आपके चैनल में।
तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.